थार 3 डोर भाई बंद होने वाली है, क्या डिसकंटिन्यू हो जाएगी? भाई कितने सारे कमेंट आ रखे हैं आपका, चलो भाई आपको क्लियर करता हूँ। मैंने तो भाई पहले ही बताया था कि जो महिंद्रा की 3 डोर थार का डिस्काउंट आया है ना भाई, इसमें कुछ ना कुछ तो महिंद्रा ने लोचा किया है। मैं जानना चाह रहा हूँ सर, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट चल रहा है क्या ऑफिशियली? तो देखिए बताना चाहूंगा रवि जी कि ऐसा कोई अपडेट तो महिंद्रा की तरफ से नहीं है। अब तुम खुद इस बात का आइडिया लगा लो भाई, जब महिंद्रा ने डिस्काउंट दिया है तो भाई महिंद्रा वालों को तो पता होना चाहिए था ना कि भाई थार पे डिस्काउंट चल रहा है। जब महिंद्रा के भाई मैंने टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, उन्होंने भाई मुझे क्लियरली मना कर दिया कि भाई हम ऐसा कोई भी डिस्काउंट नहीं दे रहे, नहीं हमारे पास भाई इसका कोई अभी तक अपडेट आया। तो भाई फिर ये डिस्काउंट दिया किसने था, और आज एकदम से भाई ये डिस्काउंट खत्म किसने कर दिया, ये डिस्काउंट कम किसने कर दिया भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्योंकि देखो कहीं पे डिस्काउंट है और कहीं पे नहीं है, क्या लोचा चल रहा है भाई 3 डोर थार पे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रवि ठाकुर, और भाई आज की वीडियो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि भाई जो मार्केट के अंदर महिंद्रा ने घमासान मचा रखा है ना इस गाड़ी के ऊपर, अलग ही लेवल चल रहा है भाई महिंद्रा का। कभी इस गाड़ी को बेचने के लिए भाई 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट दे देते हैं, कभी इस गाड़ी को बेचने के लिए 2-2 साल का वेटिंग पीरियड था, और आज का टाइम फिर एक ऐसा आ गया कि ये गाड़ी भाई ढूंढे से भी नहीं मिल रही है किसी को। आप लोगों के इतने कमेंट आ गए मेरे पास कि भाई थार 3 डोर के बारे में बताओ, ये मिलेगी या नहीं मिलेगी, डिसकंटिन्यू तो नहीं हो जाएगी? तो चलो मैं एक एक करके भाई तुम्हें प्रूफ के साथ क्लियर करता हूँ। आज से 1 महीने पहले की बात है भाई, टाइम था 1 सितंबर का, और भाई सुबह सुबह सब उठते हैं और सबको सुनने को पता है क्या मिलता है कि भाई थार RWD के ऊपर ना 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट आ गया, महिंद्रा ने इसको 1.5 लाख रुपए सस्ता कर दिया रातों रात। लेकिन भाई देखो ना, मेरे अंदर होती है चुल, मैं सही बताता हूँ भाई, जब तक मुझे प्रूफ ना मिल जाए ना, मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। मुझे ना भाई पूरी क्यूरियोसिटी होगी भाई, क्योंकि मैंने भी नई गाड़ी ली थी, तुम खुद देखो भाई अभी तक भी गाड़ी के ऊपर नंबर नहीं लगा है। मैंने ये लिया था अगस्त के आसपास, और सितंबर में डिस्काउंट आ गया, मतलब भाई मुझे नहीं, मेरे जैसे बहुत सारे भाइयों को 1.5 लाख रुपए का लॉस हुआ था, महिंद्रा ने रातों रात 1.5 लाख रुपए घटा दिए। तो भाई यही जानने के लिए मैंने क्या किया, महिंद्रा वालों को कॉल मिला दिया, और महिंद्रा वालों ने पता भाई मुझे क्या बताया कि नहीं सर, थार के ऊपर तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं। अब तुम्हें लग रहा होगा भाई मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो भाई एक काम करो, पहले आप यही बात सुन लो, फिर ही आगे की बात करते हैं। महिंद्रा में आपका स्वागत है, कृपया ध्यान दें, ये कॉल गुणवत्ता प्रशिक्षण के लिए रिकॉर्ड की जा सकती है। वेलकम टू महिंद्रा, माय नेम इज जैद, हाउ मे असिस्ट यू? सर मुझे ना थार के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी थी। ओके शॉली, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। आप सर थार रॉक्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, ये जो थार आती है उसके बारे? थार के बारे में, ओनली थार। ठीक है शॉली, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। सर आपका नाम जान सकता हूँ? रवि सर, रवि। ओके रवि जी, पहले तो धन्यवाद कहना चाहूंगा आपने इंटरेस्ट शो किया व्हीकल में, बताइए क्या जानना चाह रहे हैं सर? मैं जानना चाह रहा हूँ सर, इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट चल रहा है क्या ऑफिशियली? ओके तो देखिए बताना चाहूंगा रवि जी कि ऐसा कोई अपडेट तो महिंद्रा की तरफ से नहीं है कि प्राइस ड्रॉप होगा या हुआ है। हाँ जी, सुना है आप रिकॉर्डिंग, हो गया क्लियर कि भाई कोई डिस्काउंट नहीं था महिंद्रा की तरफ से? फिर आखिर में डिस्काउंट दे कौन रहा था भाई, ये डिस्काउंट आया क्यों था? महिंद्रा ने अगर डिस्काउंट देना ही था तो भाई उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट क्यों नहीं करी? तो देखो यार, इसके पीछे ना भाई 2 बड़े कारण होते हैं, आ जाओ अंदर बैठ के तुम्हें बताता हूँ डिटेल में। सबसे पहला कारण तो भाई ये है, अगर महिंद्रा ऑफिशियली डिस्काउंट दे देता ना, तो भाई लोग ना उसको दे देते, मतलब कि जिन्होंने पहले महीने थार ली थी वे महिंद्रा के पास चले जाते भाई सीधा, इतनी कंप्लेन कर देते, इतनी कॉल उनको मिला देते कि भाई जो ये डिस्काउंट अभी अभी आया है, जिन्होंने 1 महीने पहले गाड़ी खरीदी भाई उनका क्या होगा? अब कभी भी भाई कंपनी ऑफिशियली डिस्काउंट नहीं करती, ऑफिशियली भाई वो प्राइस कम कर सकती है। जैसे कि भाई इन्होंने XUV 700 पे करा था, इन्होंने भाई इस पे कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं दिया था, ना इन्होंने कोई एक शोरूम प्राइस घटाया था, फिर ये डिस्काउंट आया क्यों था वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो देखो यार, कंपनी कभी भी ऑफिशियली डिस्काउंट दे नहीं सकती भाई, लोग भड़क जाएंगे जिन्होंने पहले भी गाड़ी ली है। क्या कारण था भाई दूसरा इनका कारण था भाई थार रॉक्स लॉन्च होना। देखो थार रॉक्स लॉन्च हुई थी, और जो भाई 3 डोर थार लेना चाहते थे ना, उनके माइंड में ना 2 कंफ्यूजन आ गए थे कि भाई थार 3 डोर ले हम या थार रॉक्स ले। अब उन्होंने क्या काम किया है भाई, पूरी की पूरी छटनी कर दी। छटनी कैसे? उन्होंने जो डिस्काउंट दिया था 1.5 लाख रुपए का, जिसको 3 डोर लेनी थी ना वो लेके भाई बैठ गया। अब 3 डोर किसी को इतनी इजीली मिल नहीं रही है, ना ही भाई कोई, इतने लोग पागल हो रहे हैं उनको 3 डोर चाहिए। कोई बंदा है भाई जो कम प्राइस देख के आज के टाइम पे भी ले लेगा, लेकिन भाई इतने लोग नहीं है कि 3 डोर के लिए लाइन लगा रखे हैं। तो भाई इन्होंने ना क्या काम करा, पहले ही अपना डिस्काउंट देके जिनको 3 डोर थमानी थी उनको थमा दी। अब सिर्फ वही बंदे बचे हैं जो थार रॉक्स ले। अब तुम खुद ही से बात का आइडिया लगा लो भाई, अक्टूबर चलते इन्होंने अपने डिस्काउंट ना कहीं से तो बिल्कुल ही हटा दिए, कहीं से ही बिल्कुल कम कर दिए। अब महिंद्रा ने ऑफिशियली तो कोई अनाउंसमेंट करनी नहीं थी डिस्काउंट की, डिस्काउंट आपको मिल रहा था डीलरशिप की तरफ से। अब तुम डीलरशिप पे जाओगे ना, जिनके पास आज भी स्टॉक है वो तुम्हें 1.5 लाख का डिस्काउंट भी दे रहे हैं,
जिनके पास कम स्टॉक हो गया उन्होंने 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट कर दिया, और जिनके पास बिल्कुल ही स्टॉक नहीं है, जिनके पास सिर्फ एक ही आधी गाड़ी खड़ी हुई है भाई, वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने डिस्काउंट ही बंद कर दिया। अब तुम कहाँ कंप्लेन करोगे कि भाई पानीपत में तो डिस्काउंट मिल रहा है 1,00,000 रुपए का, करनाल में डिस्काउंट मिल रहा है 1,00,000 रुपए का, दिल्ली में डिस्काउंट मिल रहा है 1,00,000 रुपए का, और तुम कहाँ कंप्लेन करते फिरोगे कि भाई डिस्काउंट ये वाले नहीं दे रहे, क्योंकि महिंद्रा तो भाई पहले भी मना कर रहा था और आज भी मना कर रहा है, तो महिंद्रा के पास तुम जा ही नहीं सकते भाई कंप्लेन करने, ना ही तुम डीलरशिप को कुछ बोल सकते, क्योंकि डीलरशिप ने कहीं अनाउंसमेंट करी थी, कोई से न्यूज़पेपर में छपवाया था डिस्काउंट आ रखा है, सिर्फ भाई लोगों के अंदर फैलाया, इन्फ्लुएंसर को बताया, और भैया पूरे दिन चर्चा चली डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट, लोगों ने ली भाई 1,50,000 रुपए के डिस्काउंट पे, अब अपनी मर्जी से वे इसको कम करते चले जाएंगे, आज भी ऑफिशियली डिस्काउंट नहीं है, आज तुम महिंद्रा वालों के पास कॉल कर लो, आज भी तुम्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर फिर भी भाई तुम्हें आज के टाइम पे डिस्काउंट चाहिए, फिर तुम्हें पता क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो भाई तुम इतने सारे जो शोरूम है ना इंडिया के, कहीं भी कॉल मिला के पूछ लो भाई थार पे डिस्काउंट है, थार पे डिस्काउंट है, 4 हाँ करेंगे 5 ना करेंगे, और हो सकता है भाई एक आधा तुम्हें बोल लगा कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, हम बेच ही नहीं रहे, मतलब भाई सबकी कंडीशन और भाई सबकी लैंग्वेज आज के टाइम पे अलग हो जाएंगी थ्री डोर थार को लेके, तो भाई क्या अब डिसकंटिन्यू हो जाएगी क्या भाई जो इसके पीछे इतना वो चल रहा है। भाई देखो आज के टाइम पे कोई भी 100% ये बात नहीं बोल सकता कि जो अपनी थार थ्री डोर है ना ये डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल है यार इसको डिसकंटिन्यू शायद महिंद्रा इतना करेगा नहीं, क्योंकि आज के टाइम पे भी भाई खुद ही देख लो तुम, लोग दीवाने हैं इस गाड़ी के भाई, जाते हैं इसको मांगने के लिए, और एक टाइम पे भाई 1,50,000 का डिस्काउंट आया था अक्टूबर चलते, ये डिस्काउंट कितना कर दिया महिंद्रा ने, 1,00,000 रुपए, मतलब कहीं पे 1,00,000 है, कहीं 1,50,000 है, और कहीं बिल्कुल खत्म कर दिया। आज के टाइम पे आप इसको ये मान लो भाई ना के बराबर डिस्काउंट मिल रहा है, अगर कहीं स्टॉक खड़ा हुआ है तो डीलर आपको अपनी मर्जी से दे देगा, अगर उनके पास स्टॉक नहीं है तो भाई वो आपको डिस्काउंट नहीं देगा, तो भाई अगर आपको डिस्काउंट चाहिएगा भी तो आपको बहुत जगह पहले पता करना पड़ेगा डिस्काउंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई आप किसी को क्या बोल सकते हो, महिंद्रा ने तो तुम्हारे पहले हाथ काट दिए थे, पहले ही रास्ते बंद कर दिए सारे, क्योंकि आपने रिकॉर्डिंग सुनी ली होगी, महिंद्रा वाले तो भाई जब से ही मना करते आ रहे हैं कोई 1,50,000 रुपए का डिस्काउंट नहीं है, ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है ना ये 1 महीने पहले थी, कोई अभी की रिकॉर्डिंग नहीं थी, जब डिस्काउंट आया था ना ये तब की रिकॉर्डिंग थी, मैंने इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि भाई आखिरकार ये डिस्काउंट दे कौन रहा है, क्योंकि महिंद्रा वाले तो डिस्काउंट दे नहीं रहे थे, महिंद्रा वाले आज भी डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, तो डिस्काउंट दे रहा था डीलरशिप, अब जैसे जैसे उनका स्टॉक खत्म होता गया ऐसे ही ऐसे डिस्काउंट कम होता गया, जैसे जैसे स्टॉक बिल्कुल खत्म हो जाएगा डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, फिर आ जाएगी इस पे वेटिंग 6-6 महीने की, उसके बाद तुम वेटिंग में जाओगे 6 महीने का वेटिंग आपको मिलेगा, फिर तुम भाई इस पे एसेसरी दोगे, कहीं ब्लैक दोगे, कहीं प्रीमियम दोगे पहले की तरह, तब जाके तुम्हें ये गाड़ी मिलेगी। अब मैं लोगों को बार बार ये क्यों बोलता था कि भाई तुम अपनी थ्री डोर थार मत बेच देना, वो भाई मेरे पास इतने डीएमआर रखे थे लोगों के कि भाई थार थ्री डोर बेच दे क्या, इसकी वैल्यू गिरती जा रही है, इस पे इतना डिस्काउंट आ गया, क्या पता आने वाले टाइम पे कोई ना ले, अरे भाई बेचने के लिए थोड़ी ली थी तुमने गाड़ी, और क्यों बेचनी भाई, अब खुद देख लो तुम 1,50,000 से 1,00,000 डिस्काउंट हो गया, अब भाई वो 1,00,000 भी हट जाएगा, वापिस से जो तुम्हारी गाड़ी 10,00,000 रुपए की बिकनी थी भाई वो ऑटोमेटिक 11,50,000 की हो जाएगी, मतलब 1,50,000 रुपए का आपका फायदा हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, और जिन्होंने आप डिस्काउंट में खरीद ली उसको तो बिल्कुल ही फायदा हो गया, क्योंकि भाई 13,00,000 की लेके आया है, 15 की पड़ेगी दोबारा से, 15 में जो लेने जाएगा ना भाई वो 13 की सेकंड हैंड नहीं ले लेगा, तुम आराम से मजे से एक साल अपनी गाड़ी चलाओ 13,00,000 रुपए में, बेच देना बिक जाएगी भाई दोबारा से, कुछ नहीं होने वाला भाई, थार रोक्स अपनी जगह आएगी, थार थ्री डोर अपनी जगह आएगी, और थार थ्री डोर पे भाई दोबारा से डिमांड आ रही है, मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपके पास गाड़ी है ना तो इसको बिल्कुल मत बेचना भाई, बेचने की गलती मत कर देना, अपनी थार को संभाल के रखो यार, तुमने शौक के लिए ली है, बेचने के लिए थोड़ी ली है, अगर तुम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो भाई शेयर मार्केट में किया करो, रियल इस्टेट में किया करो, भाई थार थोर पे पैसा मत लगाया करो, ठीक है, ये तो भाई चलता रहता है, ये तो देखो महिंद्रा या कंपनी या डीलरशिप भाई कोई भी है ना, उनको एक ही चीज़ से मतलब होता है भाई, अपना स्टॉक निकालना, जब उनके पास इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी डिस्काउंट थोप देंगे, जब उनके पास इन्वेंट्री कम हो जाएगी भाई डिस्काउंट हटा देंगे, जब डिमांड ज़्यादा आ जाएगी तो भाई उसकी सप्लाई कम करके उस पर वेटिंग लगा देंगे, जब डिमांड कम हो जाएगी डिस्काउंट दे के लोगों में ऐसे बांट देंगे, तो भाई ये तो आपके हाथ में, आपको ही देखना पड़ेगा। अब एक काम करना, आप कमेंट करके बता देना आपके शोरूम पे डिस्काउंट चल रहा है नहीं चल रहा है, देखो हमारे यहाँ भी चल रहा है भाई 1,00,000 रुपए का डिस्काउंट, और भाई अपना एक भाई का भी डीएम भी आया था राजस्थान से, वो बोल रहा था कि भाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल ही डिस्काउंट कम कर दिया, तो हटा ही दिया बिल्कुल भाई, वेटिंग लगा दी, तो भाई देखो अब तो ये है भाई, तुम्हें डिस्काउंट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, गाड़ी मिल जाए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई आउट ऑफ स्टॉक हो रखी है, अपने यहाँ तो एक आधी भाई रेड कलर में खड़ी हुई है, क्योंकि रेड कलर की पहले से कम बिकती थी, RWD भी रेड कलर तो मिल जाएगा इजीली, बाकी ब्लैक कलर तो मिलना भाई मुश्किल हो गया, वेटिंग पे चला गया, और 30 अक्टूबर के बाद ये डिस्काउंट भी खत्म कर देंगे 1,00,000 वाला भी, क्योंकि थार रॉक्स की बुकिंग ओपन हो गई है, अब जिनको थार रॉक्स लेने हो तो थार रॉक्स ही लेंगे भाई, तो भाई जो अपना थ्री डोर थार पे डिस्काउंट चल रहा है ना ये 1,00,000 का भी चल रहा है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कहीं है कहीं नहीं है, ये भी भाई 30 अक्टूबर के
बाद खत्म हो जाएगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो भाई अभी भी फायदा है, अगर तुम्हें कहीं थार मिल रही है 1 लाख का डिस्काउंट है तो भाई ले लो। अगर आपको रोक्स ही लेनी है तो भाई फिर रोक्स ही लेना, क्योंकि रोक्स के अंदर तो भाई तुम्हें भी पता ही है, एक वीडियो वायरल भी हुई थी टेक्निकल फॉल्ट वगैरह, ये तो आते रहते हैं गाड़ियों के अंदर, बाकी देखो 1 साल में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी। तो भाई इतना ही आज के लिए तो कहना था। तो भाई अब ये जो डिस्काउंट आया था ये भाई महिंद्रा का स्कैम था या डीलरशिप का स्कैम था, देखो यार इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल लूंगा, तुम खुद जज कर लेना भाई डिस्काउंट था भी या नहीं था। मेरे हिसाब से तो भाई ना के बराबर ही दिया इन्होंने, कितनी गाड़ियां भी की हैं यार इनके पास। शुरू में इन्होंने 4 दिन लोगों को गाड़ी दिया, 4 दिन के बाद अब तक किसी को गाड़ी दी, सब पे वेटिंग लगा रखी थी। अब जिनको गाड़ी नहीं मिली, जिन्होंने बुक कराई 1.5 लाख के चक्कर में, उनको गाड़ी मिल रही है नहीं मिल रही। अब डिस्काउंट 50,000 कम कर दिया, 1 लाख रह गया। आप अगर उनको गाड़ी देंगे तो 1 लाख डिस्काउंट पे देंगे, अब थोड़ी सी और बुकिंग आ जाएगी भाई जल्दी जल्दी में, यार डिस्काउंट कम होता जा रहा है, हटाते जा रहे हैं। उसके बाद भाई पूरा वेटिंग लगा देंगे, गाड़ी मिलेगी सेम उसी प्राइस में। इनके पास जितनी थी उन्होंने दे दी, अब तो भाई वेटिंग पे ही आएगी। अगर भाई तुम्हारे माइंड में कुछ हो तो एक बार कमेंट करके बता देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर।